नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। एक और जहां राज्य भर के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो गई थी, वहीं लोग भी सरकारी स्कूलों में शिक्षक व सरकार द्वारा बच्चों को सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए छोड़ देने के नाम से जानते थे। लेकिन आपको जो हम विद्यालय दिखाने जा रहे हैं वे कहीं से भी नहीं लगेगा कि वे सरकारी स्कूल है। देखिए नालंदा से रजनीश किरण - मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं जो सरकारी विद्यालयों द्वारा न केवल गिरती शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखने की काम कर रहे हैं बल्कि निजी विद्यालय से बेहतर पढ़ाई देने की भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं गिरियक प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलाचक की, जहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था को देख परिजन अपने बच्चों को निजी विद्यालयों से मोह भंग करते हुए इस सरकारी विद्यालयों में नामांकन दाखिल करा रहे हैं। पिछले 6 माह के अंदर करीब 62 छात्र छात्राओं को जिले के नामी गिरामी निजी विद्यालयों से नाम कटवाकर इस सरकारी विद्यालय में दाखिला कराया, ताकि वह निजी स्कूल संचालकों से शोषण होने से बच सके, साथ ही सरकारी विद्यालय में ही अच्छी शिक्षा भी उनके बच्चे पा सके। इस विद्यालय में सभी 289 बच्चे स्कूल ड्रेस में आने के साथ साथ अनुशासन में रहने की काम करता है। इधर प्रभारी प्रधानाध्यापक शिशिर कुमार सिन्हा ने मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि अभिभावक अगर निजी स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों पर ज्यादा ध्यान दें, अपने बच्चों को निजी स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों में भेजकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के ऊपर ध्यान दें तो उनकी मोटी गाड़ी कमाई बेकार नहीं जाएगी और इसका फायदा भी निजी स्कूल के लोग उठा नहीं पाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि निजी स्कूल के लोग सरकारी विद्यालयों को सिर्फ बदनाम करते हैं, जबकि निजी विद्यालय के लोग ही शिक्षा के नाम पर लूट खसोट मचा रखी है। इधर छात्रों का कहना है कि पहले हम लोग निजी स्कूलों में पढ़ते थे, जहां स्कूल से ही ड्रेस, कॉपी, कलम, एडमिशन व मोटी फीस के नाम पर हमारे पिता माता को परेशान किया जाता था, जिसके बाद हमारे माता पिता ने इस विद्यालय में अच्छी शिक्षा को देखे हम लोगों को यही नामांकन दाखिल करवा दिया। तब से हम लोग अच्छी शिक्षा मिल रही है और निजी स्कूलों से भी काफी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकारी स्कूलों को बदनुमा होने से बचाने वाले इन सरकारी स्कूलों को सरकार व उनके मुलाजिम प्रोत्साहन करते हैं या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए इन सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कमर कस ली और निजी स्कूलों से अच्छी शिक्षा देने के साथ बदनाम होने से बचाने की काम कर अच्छी शिक्षा की अलख जगा रही है। अभी मेरा सूची में सब हाँ, ये गत वर्ष राष्ट्रीय मेधा आय सह छात्रवृत्ति परीक्षा में मेरे विद्यालय के 7 बच्चे ने उत्तीर्णता प्राप्त की है उस परीक्षा में, और 2012 में 1 बच्चा नवोदय विद्यालय के लिए चयनित हुआ था। अभिभावकों से क्या अपील करना चाहते हैं? अभिभावकों से मेरा ये आग्रह और अपील दोनों होगा कि जो नज़रिया उनका है सरकारी विद्यालय के प्रति, उसमें सकारात्मक सोच लाएँ और अधिकाधिक नामांकन सरकारी विद्यालयों में अपने छात्र छात्राओं का कराएं। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलाचक स्कूल है। हम MS विद्या मंदिर स्कूल पावपुरी से आए हैं। वहाँ पर हमारे पैसा ज़्यादा लगता था और वहाँ पर सुविधा उससे अधिक यहाँ इस स्कूल में है, इसलिए हम वहाँ से आए हैं। क्या लग रहा है यहाँ? क्या यहाँ उससे ठीक है और पढ़ने में भी मन लगता है। मतलब कि सरकारी विद्यालय में कहा जाता है कि सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए छोड़ा जाता है, तो यहाँ खिचड़ी खाती हो कि पढ़ाई भी करती हो? पढ़ाई भी करती है। क्या नाम है? अंजलि कुमारी। के लिए आई है? मैं सरस्वती विद्या मंदिर से यहाँ आई हूँ, उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलाचक गिरियक। तो यहाँ कैसा पढ़ाई मिल रहा है? यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। पहले कहाँ पढ़ते थे निजी विद्यालय में? पहले मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ती थी, पावापुरी। तो वहाँ से क्यों भाग आई? नाम कटवाकर? वहाँ कोई अनुशासन नहीं थे ना, क्लासरूम बढ़िया, इधर कुछ भी नहीं, और टीचर की भी कमी होती रहती थी, और वहाँ मतलब कुछ भी का व्यवस्था नहीं था। फिर हम मेरी मम्मी ने यहाँ कर देखा और मेरे घर के पास से बहुत सारे बच्चे इस कर्मित मध्य विद्यालय में पढ़ने आती थी, तो मेरी माँ भी सोची मैं भी अपनी बच्ची का नामांकन करा दूँ। क्या नाम है? रश्मि कुमारी।
आवासीय महावीर शिशु निकेतन में पढ़ता था, वहाँ से मैं नाम कटा के इस उत्कर्म विद्यालय दौलाचक में आ गया, क्योंकि मेरा अभिभावक का आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण वहाँ मुझे ड्रेस वगैरह सब कॉपी कलम सब वहाँ से मिलता था। यहाँ आए तो हमारे सब चीज़ की सुविधा हो गई, पढ़ने लिखने आने जाने ड्रेस वगैरह सभी चीज़ का अनुशासन भी यहाँ ठीक सा रहता है, पढ़ाई बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा जी, रविशंकर कुमार।